आयोटा क्लासेस। हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो डियर स्टूडेंट्स इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 करने वाले हैं आर एस अग्रवाल बुक के नए वाले एडिशन से, एक्सरसाइज 2A पॉलीनोमियल का। तो देखो इसमें क्या बोल रहा है डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन में। इससे पहले के सारे क्वेश्चंस मैंने ऑलरेडी करवा रखा है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएँ, वहाँ पॉलीनोमियल क्लास 10 के नाम से एक प्लेलिस्ट मिल जाएगा और वहाँ पर आपको हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी मिल जाएगा। तो देखो डियर स्टूडेंट्स इसमें क्या बोल रहा है कि इफ़ 2/3 एंड -3 आर द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल, अगर क्वाड्रेटिक कोई पॉलीनोमियल है उसका 2/3 एंड -3 जो है वो जीरोज हैं, तो हमें बोल रहा है कि और वो क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल हमें ये दिया हुआ है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस बी, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। तो ए का वैल्यू निकालना है और बी का वैल्यू निकालना है, बहुत ही ईजी है डियर स्टूडेंट्स। हमें मालूम है कि पहले रिलेशन से कि सम ऑफ द जीरोज यानी कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होता है कि माइनस कोफिशेंट ऑफ एक्स, कोफिशेंट ऑफ एक्स बाय कोफिशेंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यही होता है ना डियर स्टूडेंट्स। तो देखो तो क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा यानी कि 2/3 -3 है ना, प्लस माइनस तो माइनस हो जाएगा, -3 इज इक्वल टू माइनस कोफिशेंट ऑफ एक्स। तो कोफिशेंट ऑफ एक्स बोले तो ये यही है ना हमारा कोफिशेंट ऑफ एक्स, तो 7, तो -7 बाय कोफिशेंट ऑफ एक्स स्क्वायर यानी कि क्या है यहाँ पर ए है, तो बाय हो जाएगा हमारा ए। चलिए इसको सॉल्व करेंगे और निकाल लेंगे, दोनों का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हो जाएगा हमारा 3। यहाँ बचेगा क्या डियर स्टूडेंट्स कि हमारा 2 - 3 = 9, यहाँ हो जाएगा 9 इज इक्वल टू -7 बाय ए। तो अब देखो डियर स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ तो हो जाएगा -7, -7 बाय 3 इज इक्वल टू -7 बाय ए। तो ये -7 ये -7 कैंसिल हो गया, ए इधर आएगा तो ए इज इक्वल टू 3, तो फाइनली हमें ए का वैल्यू निकल गया ए इज इक्वल टू 3। तो यही हमें निकालने के लिए कहा गया था, ए आ गया। अब फर्दर मुझे निकालने के लिए कहा कि बी निकालिए, तो हमें मालूम है कि प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज, तो चलिए मैं इसको मिटा रहा हूँ, ए का वैल्यू 3 आ गया है, अब मैं इसको मिटा रहा हूँ यहाँ पे और लिख देता हूँ कि प्रोडक्ट। तो देखो डियर स्टूडेंट्स कि प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज यानी कि अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या होता है, ये होता है हमारा कांस्टेंट टर्म है ना। तो ये मैंने लिख दिया यहाँ पे कि कांस्टेंट टर्म बाय कोफिशेंट ऑफ एक्स स्क्वायर होता है ना। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स अब मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, तो इसको मैं सॉल्व करूँगा तो कितना आएगा, ए का वैल्यू तो ऑलरेडी मेरा 3 आ चुका है, तो आप यहाँ पर चाहो तो लिख दो कि ए इज इक्वल टू हमारा 3 आ चुका है, अब मुझे बी निकालना है। अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा है हमारा 2/3 तो 2/3 लिख दिया, इंटू बीटा है हमारा -3 तो -3 लिख दिया, इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट टर्म बोले तो हमारा ये बी होगा, तो बी यहाँ लिख दो बाय कोफिशेंट ऑफ एक्स स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर कोफिशेंट क्या है हमारा ए है, तो यहाँ ए लिख दिया, तो हमारा ये जो है वैल्यू अब आ जाएगा डियर स्टूडेंट्स। तो यहाँ देखो ये हो जाएगा हमारा 3 × 6, तो -6/3 इज इक्वल टू बी को बी रहने दो और ए का वैल्यू हमारा 3 आया है तो 3 रहने दिया, तो ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो दिस इम्प्लाइज जो बी का वैल्यू है डियर स्टूडेंट्स वो आ गया -6। तो यही हमें निकालने के लिए कहा गया था ए और बी, तो ए हमारा 3 आ गया है और बी जो है हमारा डियर स्टूडेंट्स -6 हो गया, यही निकालने के लिए कहा गया था जो कि मैंने निकाल दिया है। डियर स्टूडेंट्स ये लास्ट क्वेश्चन था हमारे इस एक्सरसाइज का, तो अब जो है हम लोग मिलेंगे एक्सरसाइज 2B में, उसके सारे एग्जाम्पल्स एक्सरसाइज देखेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखें।